अरे दादी, पिताजी दादी आ गई। अरे किशन बेटा ठीक है तू? बहुत अच्छा हूँ दादी। माँ तुम आ गई? माँ अरे बद्री ठीक है तू? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। किशन बेटा तेरे दादाजी कहाँ है? दादाजी, माँ, पिताजी, दादाजी, पिताजी, पिताजी, दादाजी, दादाजी, समझ गई मैं। अरे दादी अब मैं किसके सहारे जीऊंगी और कौन मुझे कमा के खिलाएगा? दादी चुप हो जा, इतनी अच्छी खबर नहीं अभी। ये मतलब? हाँ माँ, पिताजी ना बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बिल्कुल ठीक है? हाँ माँ, शुक्र है भगवान का, नहीं तो मेरे 10 रुपए का नुकसान हो जाता। वो कैसे माँ? वो न मैं हरिद्वार से ये घोड़ा ब्रांड सिंदूर की डिब्बी लेकर आई, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मेरे 10 रुपए का नुकसान हो जाता। अब इनकी तो सुन लो। सुनाओ। नहीं नहीं, दादियाँ ढूंढ रहे हैं आजकल हमारे लिए। दादियाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ माँ, आजकल ना नई नई माए आती है मिलने के लिए पिताजी से। 4 दिन नाक से नकेल के ढीली हुई, ये खुले सांड की तरह से घूमने लगा। कन्या तो चीज ही ऐसी होती है, पल भर में मन विचलित हो जाए। ए दादी, ये क्या आइटम है? चुप कर। ये महाराज के चेले हैं, जन्म से अंधे हैं। गुरुजी की बड़ी कृपा है, इन्हें हमारे साथ भेजा है। ये उन्होंने कोई कृपा की है या हमसे कोई दुश्मनी निकाली है? अरे चुप कर, 1-2 दिन में महाराज स्वयं यहाँ पधारने वाले हैं। किशन बेटा अब तू ये बता, तेरे दादाजी रासलीला करने कहाँ गए? पार्क में गए हैं। पार्क में? हाँ। चल वही चल के देखती हूँ मैं। और बद्री तू सब्जी बना के रखियो और दुखीराम भैया तू महाराष्ट्र का ख्याल करियो। चल किशन बेटा। चलो चल। महाराज जी हा? आपको कुछ चाहिए क्या? कन्या हमारा मतलब है आप महान है कन्या, आप महान है।